साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुंबई की ऑर्थ रोड जेल के अंदर बंद हैं। अभी एक दिन पहले ही राउत की कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां संजय राउत की क्या हालत थी ये हमने आपको बताई थी और ईडी ने कैसे राउत पर चाबुक चलाया ये भी बताया। और अब ठीक एक दिन बाद ही संजय राउत के लिए आसमानी आफत आ गई, क्योंकि ईडी ने अचानक आनन फानन में स्वप्ना पाटकर को बुला लिया, समन कर लिया और करीब 10 घंटे की पूछताछ भी कर डाली। अब इसमें स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत की पूरी कुंडली खोल दी, सारे के सारे सीक्रेट बता डाले। 1000 करोड़ के घोटाले की बात, अकेले में हुई गंदी बात और होटल वाले सीक्रेट को भी खोल कर रख दिया। और इस केस की सबसे बड़ी गवाह ने सबसे बड़ा कबूलनामा किया, सबसे बड़ा खुलासा किया, जिसमें संजय राउत बुरी तरह से फंस गए हैं, घिर गए हैं और जो बची खुची उम्मीद थी वो भी यहाँ पर खत्म हो चली है संजय राउत के लिए। तो बताते हैं आपको क्या हुई स्वप्ना पाटकर से पूछताछ, क्या क्या किए खुलासे और आगे क्या होगा ये भी बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो सलाखों के पीछे बंद संजय राउत के लिए हर गुजरता दिन आफत का नया डोज लेकर आ रहा है। हर दिन के साथ नई मुश्किल, नई परेशानी राउत के लिए खड़ी हो रही है। कहां तो संजय राउत को उम्मीद थी कि 22 अगस्त को ही सुनवाई में कोर्ट से राहत मिलेगी, जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कहां उन्हें फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल भेज दिया गया। और उससे भी बड़ी हिट ये कि अगले ही दिन यानी कि 23 अगस्त को ईडी ने और भी बड़ा एक्शन ले लिया, बड़ी कार्रवाई कर ली। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ 23 अगस्त को जब आनन फानन में ईडी ने महा एक्शन ले लिया। असल में ईडी ने 23 अगस्त की सुबह सुबह मुंबई में स्वप्ना पाटकर को समन कर लिया, पूछताछ के लिए बुला लिया और स्वप्ना को उसी पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया जिसमें संजय राउत आरोपी हैं और स्वप्ना गवाह। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, स्वप्ना पाटकर इस मामले की मुख्य गवाह हैं। और 23 अगस्त की सुबह सुबह ईडी ने स्वप्ना पाटकर को पूछताछ के लिए बुला लिया। सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास स्वप्ना पाटकर ईडी के दफ्तर पहुंच भी गई और सीधे ही स्वप्ना को सेकंड फ्लोर पर इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। अब स्वप्ना तो खुद ही कई दिन से चाहती थी कि ईडी उनका डिटेल बयान ले और यहां पर वही हो भी रहा था। ठीक 12 बजे के आसपास पूछताछ शुरू भी हो गई। अब पूछताछ में कई बड़े और भयंकर खुलासे हो गए हैं। स्वप्ना ने जो बताया है वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाला है, तो वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना से पहला सवाल पूछा गया कि आप संजय राउत को कब से जानती हैं और कैसे जानती हैं। तो सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना ने जवाब दिया कि वो संजय राउत को करीब 10 सालों से जानती हैं और अपने पति सुजीत पाटकर के जरिए ही वो संजय राउत को जानती हैं और सुजीत पाटकर की संजय राउत से खासी करीबी रही है और जिसके जरिए पहली बार संजय राउत से मुलाकात भी हुई। स्वप्ना से अगला सवाल पूछा गया कि आपको पात्रा चौल घोटाले के बारे में क्या पता है। अब ये सवाल पूछना था कि स्वप्ना पाटकर ने तुरंत ही बड़ी बातें, बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए, संजय राउत के सीक्रेट खोलने शुरू कर दिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना पाटकर ने बताया कि उन्हें भी पहले अखबारों से और मीडिया से पता चला कि ऐसा कोई घोटाला हुआ है जिसमें पात्रा चौल घोटाले के नाम पर 1000 करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए हैं, डकारे गए हैं, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं थी। और स्वप्ना ने आगे बताया कि जब उन्हें पता चला तो इसमें संजय राउत का नाम आया और तब संजय राउत मुंबई में ताकतवर शख्स हुआ करते थे, उनकी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और इसी दौरान संजय राउत ने हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की थी। जी हाँ, ये बड़ी बात स्वप्ना पाटकर ने यहाँ पर बताई थी ईडी की पूछताछ में। ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना पाटकर से पूछा गया कि कैसी प्रॉपर्टी और कैसा विवाद। तो ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना पाटकर ने बताया कि उनके पति ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, कुछ अपने नाम पर और कुछ मेरे नाम पर, और संजय राउत उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवाना चाहते थे, अपने लिए चाहते थे, अपना फायदा चाहते थे। स्वप्ना पाटकर ने आगे कहा कि पहले मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी कैसे आई और कहां से आई, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्रॉपर्टी घोटाले की रकम से खरीदी गई है। जी हां, यही आरोप संजय राउत पर, सुजीत पाटकर पर भी लगता रहा है। और यहां पर स्वप्ना पाटकर ने वही बात बोल दी, वो कच्चा चिट्ठा खोल रही थी, सारी की सारी बातें बता रही थी और ये भी बता रही थी कि आखिर एक दौर में जब सुजीत पाटकर, स्वप्ना पाटकर और संजय राउत के बीच में अच्छी करीबी थी, अच्छी दोस्ती थी, तो फिर वो
दूर कैसे हो गए, कैसे दोनों के बीच में अनबन आ गई, तो उसकी वजह बनी पात्रा चौल घोटाले की कमाई और उससे खरीदी गई प्रॉपर्टी। जी हां, यही आरोप संजय राउत पर लगता भी रहा है। संजय राउत पर साफ साफ आरोप था कि उन्होंने पहले अपने करीबी सुजीत और उनकी पत्नी स्वप्ना के नाम पर भी जमीने खरीदी, घोटाले के पैसे को ठिकाने लगाया और फिर इसी प्रॉपर्टी को वापस मांगने या फिर उसका हिस्सा मांगने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था और यही आरोप लगता रहा। और यही बातें स्वप्ना पाटकर भी यहाँ पर बताने लगी थी। आगे देखिए, स्वप्ना पाटकर से पूछा गया कि क्या आपका संजय राउत से कोई व्यक्तिगत झगड़ा भी है कि या सिर्फ यही वजह है कि आपके बीच में दूरी हो गई, तो स्वप्ना ने कहा कि संजय राउत बेहद ही खतरनाक किस्म का आदमी है, वो पिछले 8 से 9 साल से मुझे डरा रहा है, धमका रहा है और मैंने अपने पति को भी बताया लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। स्वप्ना पाटकर ने आगे बताया कि संजय राउत ने मुझे फोन पर भी धमकाया, गालियां तक दी और इसका ऑडियो भी मेरे पास है और इसका ऑडियो भी स्वप्ना ने ईडी को यहां पर सौंपा। स्वप्ना राउत ने बताया कि संजय राउत हर किसी जो कि उनके आसपास है उसको दबाना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और जब मैंने इनकार किया तो संजय राउत ने उन्हें दबाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की और इस सारे के सारे आरोप संजय राउत पर स्वप्ना पाटकर ने लगा डाले। अब इस दौरान स्वप्ना ने बताया कि संजय राउत ने कई बार अकेले उन्हें धमकाया है, कई बार अकेले में जान से मारने की धमकियां दी है, गंदी बात करी है और कई बार देख लेने और अंजाम भुगतने की धमकी दी है। स्वप्ना पाटकर ने यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा ये भी किया कि संजय राउत की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी नहीं है जो कि दिख रही है बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो सकती है, उसके कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट इधर से उधर हो सकते हैं क्योंकि कई होटल वाले सीक्रेट भी संजय राउत के हैं। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना पाटकर ने बताया कि संजय राउत अक्सर मुंबई के होटल्स में ही अपनी डील्स किया करते थे और इन होटल्स में बहुत कुछ होता था, वहाँ पर कई तरह के काले खेल होते थे और ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना पाटकर ने अपनी पूछताछ में ये खुलासे किए। हालांकि कई सारी बातें अभी भी सामने आना बाकी है, स्वप्ना ने क्या क्या खुलासे किए, कई नई बातें और भी निकल कर सामने आने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर करीब 10 घंटे तक स्वप्ना पाटकर से पूछताछ हुई, कई सारे सवालों के जवाब स्वप्ना ने दिए। इस दौरान खबर है कि संजय राउत की पूरी कुंडली, संजय राउत के सारे सीक्रेट स्वप्ना पाटकर ने खोल कर रख दिए और होटल वाले सीक्रेट थे तो राउत की बची खुची इज्जत को भी तार तार कर दिया। हाल ये कर दिया कि अगर राउत के बचने की कहीं से कोई गुंजाइश होती तो वो भी पूरी तरह से खत्म कर दी। तो आपका स्वप्ना पाटकर के इन महाविस्फोटक खुलासों पर क्या कहना है, इस पूछताछ पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें।